दोस्तों, अगर आपकी वीडियो पे 5 या फिर 7 व्यूज आ रहे हैं, आप रेगुलर मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो गाइस आज की वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, अगर आप वो ट्रिक को अपने यूट्यूब चैनल पे अप्लाई करते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, आज की वीडियो में मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं बताऊंगा कि आप एप्लीकेशन से व्यूज बढ़ा लो या एक्सटर्नल व्यूज बढ़ा लो या फिर किसी वेबसाइट से व्यूज बढ़ा लो या आप वीडियो को कहीं पे शेयर कर दो। आपको अपनी वीडियो का कोई भी लिंक कहीं पे शेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक 101% ऑर्गेनिक है, जिससे कि आपके यूट्यूब सर्चिंग से या फिर यूट्यूब ब्राउजर से या फिर यूट्यूब सजेशन से आपके व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप वाकई में ही यूट्यूब पे काम करना चाहते हो तो इस ट्रिक के बारे में आपको पता होना चाहिए और आप अच्छे से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हो। ये आपको फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक चैनल ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 महीनों में इस चैनल की ग्रोथ क्या से क्या आ रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3,73,000 व्यूज आए हैं, 4700 घंटे मैंने गेन किया, 1900 सब्सक्राइबर मैंने गेन किए हैं और यहाँ $52 मैंने अर्न किए हैं। और आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक टाइम था कि यहाँ पे 3000 व्यूज ही आ रहे थे, 2000, 2100, 1600 और यहाँ पे एकदम से आप देख सकते हो यहाँ से ग्रोथ एकदम से बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है और यहाँ पे अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हो 362 लोग मेरी वीडियो को अभी देख रहे हैं, 60 मिनट में मेरे को इतने व्यूज आएंगे और 48 आवर में 26,000 व्यूज मेरे को आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक सर्चेबल टॉपिक चूज करना है जो बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, उसी टॉपिक पे आपको वीडियोस बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप उतनी वीडियोस उसी टॉपिक पे बनाएं और आपको सर्च कर लेना है। जैसे कि मैं अगर कॉमेडी चैनल है तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अमित बढ़ाना, आप देख सकते हो अमित बढ़ाना यूट्यूब चैनल हमारे सामने ओपन हो चुका है और आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इस वीडियो को ओपन कर लेना है। अमित बढ़ाना की वीडियो को ओपन कर लिया है हमने और आप यहाँ पे देख सकते हो, इसे पॉज कर दीजिएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके जो टैग्स है प्रॉपर रैंक हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो #1, #11, #2, #2, #9 मतलब #20, ये टैग्स बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे सर्च किए जा रहे हैं इस टाइम पे। अगर आप इस टैग को सेम कंटेंट के साथ मैच करते हो तो भाई आपकी वीडियो वायरल हो सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि यही टैग्स को उठा के वो अपनी वीडियो में डाल देंगे। भाई ये उनके चैनल पे सूटेबल है, आपको अपने टैग्स क्रिएट करने हैं। कैसे करने हैं दोस्तों, आपको कॉम्बाइन टैग यूज करने हैं। टैग का ऑप्शन हमें यूट्यूब ने दिया, कुछ सोच समझ कर दिया है। अगर आप अच्छे से टैग को अच्छे से SEO करके फिल करते हो टैग सेक्शन को, तो आपकी वीडियो सर्चिंग में आना स्टार्ट हो जाएगी। काफी लोग क्या करते हैं, किसी और की वीडियो के टैग को सेम कॉपी करके अपनी वीडियो में पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उनकी वीडियो रैंक ही नहीं कर पाती और बाद में कहते हैं भाई आपने बताया था कि टैग ऐसे ऐसे ढूंढ के कॉपी करके डाल दो, तो भाई उससे आपके व्यूज नहीं आएंगे। क्योंकि हर एक चैनल का अलग अलग सिस्टम होता है, यानी कि किसी के चैनल पे उसके नाम से टैग रैंक हो रखे हैं। अगर आप अपने नाम से अपने YouTube चैनल पे टैग को रैंक करवाते हैं, कॉम्बाइन टैग करके रैंक करवाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर आपका कॉमेडी चैनल है तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अमित बढ़ाना भाई की वीडियो को ओपन कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो टैग सेक्शन में इनके सारे टैग्स मैंने कॉपी कर लिए हैं और ये टैग्स काफ़ी रैंक भी कर रहे हैं। तो गाइस आपको यहाँ पे ये सारे टैग पेस्ट कर देने हैं, देन आप यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिख लिया संदीप पुलर। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये अमित बढ़ाना वीडियोस पे भी आपको संदीप पुलर वीडियोस कर देना है, संदीप पुलर वीडियोस। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अमित बढ़ाना देसी वीडियोस और यहाँ पे आपको कर देना है संदीप पुलर वर्सेस अमित बढ़ाना देसी वीडियोस। उसके बाद अमित बढ़ाना LLB, उसके बाद आपको यहाँ पे संदीप पुलर कर देना है और LLB बढ़ाना लिखा हुआ है, उसके बाद अमित बढ़ाना कला, अमित बढ़ाना ये एज इट इज़ रहने देना है, अमित बढ़ाना फनी वीडियोस, उसके बाद अमित बढ़ाना कॉमेडी वीडियोस, यहाँ पे आपको संदीप पुलर कर देना है।
तो गाइस ऐसे ही आपको अपने टैग कंबाइन करने हैं और आपको अपनी वीडियो का जो टाइटल होगा वो देना है। मैंने आपको समझाने के लिए, ये मेरी टैग वीडियो है इसलिए यहाँ पे ये वर्क नहीं करेंगे, आपको अपने उस चैनल की कैटेगरी के हिसाब से ही करना है जो आपकी वीडियो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कर देता कि आप व्यूज़ कैसे बढ़ा सकते हो, तो मैं किसी की भी वीडियो देखता तो उसके टैग्स पहले चेक करता कि किसके ज़्यादा रैंक कर रखे हैं और उन टैग्स को उठा के मैं अपने इस वीडियो में ऐड करता और उसमें कंबाइन करता। इससे क्या होगा कि उनकी सर्चिंग के साथ साथ मेरी वीडियो सजेशन में जानी स्टार्ट हो जाएगी, सजेशन में भी मेरे को व्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और मेरे को यूट्यूब सर्चिंग में भी व्यूज मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आप अच्छे से टैगिंग कैसे कर सकते हो, कंबाइंड टैगिंग कैसे कर सकते हो। अगर आप ये कंबाइंड टैगिंग करोगे तो भाई आपको 24 घंटों में ही रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ नई वीडियो में। जय हिंद।